डॉक्टर विमलेंदु महांती कृषि विज्ञान केन्द्र रे कृषि विज्ञान केन्द्र ढेंकानाल एक वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा मुख्य हिसाब से काम करछि। आज एक्चुअली आमर जो स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति अवसर में विभिन्न प्रकार प्रोग्राम चलुची। आम 25 तारीख रु 30 तारीख पर्यंत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी ये जो स्लोगान चलती जो कैंपेन चलती से अवसर में आज समन्वित कृषि समन्वित उद्यान कृषि उपरे गोटे कर्मशाला आयोजन कराई कृषि विज्ञान केन्द्र तथा उद्यान विभाग उद्यान कृषि विभाग मिलित आनुकूल्य रही जो थे पखापाखि 150 रु ऊर्ध चाषी एवं महिला से चाषी मानू विभिन्न उन्नत ज्ञानकौशल विषय तालीम दिखाई विभिन्न डिपार्टमेंटल स्कीम विषय से अवगत कराई सबू लाइन डिपार्टमेंटर अफिसर जथा कृषि विभाग उद्यान कृषि विभाग एवं जनरल मैनेजर रीजनल इंडस्ट्री सेंटर प्लस डेप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग आमर फिशरीज डिपार्टमेंट एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये सब डिपार्टमेंटर जो मैंने जिला स्तरीय अधिकारी से डिपार्टमेंटर स्कीम विषय कहते चाषी भाई मान भर उद्योग सृष्टि करने मुख्यतः मऊ चाष एवं छतु चाष ये डेमोनस्ट्रेसन दिखाई आशा करुच्ची कार्यक्रम बहुत सफल हे एवं जो लक्ष्य रखी ये जो 25 रु 30 तारीख पर्यंत कृषक मानू विभिन्न सशक्तिकरण पर विभिन्न तालीम दिहे विभिन्न कार्यक्रम कराऊँगी यार सफल रूपायन हो पार मु सुलोचना राउल गाँ राधादेवपुर सदर ब्लक ढेंकनाल कह आज तालीम शिविर में आम यह शिक्षा कलु जो छतु चाष हूँ गोटे लाभजनक चाष एसएचजी मान को 1,00,000 टकर गोटे प्रोजेक्ट से 40,000 टकर सब्सिडी थाए से जो सब्सिडी मध्यम आम छतु चाष को आपणे कि समस्ते एसएचजी 7 गोटी एसएचजी माँ मैंने आठिकी यही रिडीएस मैडम सहायत आम 1,00,000 टकर लोन पाई सारी पंजाब नेशनल बैंक रु एवं मैडम को धन्यवाद देवी ये जे आम पैसा असुविधा हेतु करने साहस करूँ कि मैडम को सहायतार लोन मिलला एवं सब्सिडी आसीजी तापर तालीम जो दिहे बारंबार आम जो तालीम दिखे एथर को तीन थर तालीम नेलु ये तालीम आम अजपुष्टि भाई जो तालीम देखते आम पाई बहुत मानने किसी शिक्षण विषय देखते बहुत किसी शिक्षा करी शिक्षा नहीं जो चाष करें बहुत लाभवान होमती छतु चाषपाई आम जमी करूँ जदि आम द्वारा टी गीताश्री पाढ़ी उप उद्यान कृषि निर्देशक ढेंकनाल स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति अवसर में जो आजादी की अमृत महोत्सव सारा भारत वर्ष से ही परिप्रेक्षी आज आम ढेंकनाल जिले में सदर गोंदिया एवं ओडापड़ार प्राय 150 जन चाषी को नहीं आम प्रशिक्षण बा तालीम शिविर आयोजन करोथे कि आमर चाषी भाई एवं भौनी माने उपस्थित रही से आम उद्यान कृषि विभिन्न कार्यावली सहित से किपर स्किल डेवलपमेंट करेंगे रोजगार निजे रोजगार क्षम हो पारे से ही प्रकार कार्य को लेकिन तो से आम छतु चाष महु चाष एवं अन्यान्य प्रकार केमती नर्सरी परिचालना करें पनीपरिया चाष करें निजर न्यूट्री गार्डन बा जो पाकशाला बगिचार बगिचा सृष्टि करमती निजर पर स्वास्थ्य रक्षा करें आउ निजे न्यूट्रिशन खाद्य बा पनीपरिया उत्पादन करके निज पर शीर्षक एक प्रशिक्षण शिविर आम आलोचना करमर कृषि विज्ञान केन्द्र हेड जिकि विमलेंदु महांती सर उपस्थित अच्छा ता सहित आमर कृषि जिलार कृषि अधिकारी भेटनरी अधिकारी ता सहित आमर सोयल कंजर्वेशन आउ आमर जो मत्स्य अधिकारी से उपस्थित रही सहित आम आउ गोटे आलोचना करूँ जो PMFME प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस कृषि उद्योगी बंधु सृष्टि करने किभली भाव में PMFME स्कीम रु साहाज्य पाई आमर विभिन्न प्रकार प्रजुक्ति विद्या अर्थात प्रोसेसिंग जोटा कि प्रक्रियाकरण करें छतुर हौ कि महुर हौ कि अन्यान्य खाद्य पदार्थर केमती प्रक्रियाकरण करी निजे स्वावलंबी हो पारे से विषय में RIC रो जनरल मैनेजर आसते सी सूचना देखते आज दिन भरी कि आम तर थियोरी जोटा कि प्रशिक्षण देवु ता सहित प्राक्टिकाल करी देखू से छतु उत्पादन करेंगे केमती महु उत्पादन करेंगे महुमाछर जत्न ने
ତା ସହିତ କେମିତି କେତେ ଚାଷ କଲେ ସେମାନେ କେତେ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ, କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବା ତାଙ୍କର ଲାଭ କେତେ ହେବ, ସେସବୁର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେବ। ତା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ବା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଲ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖିକି ସେମାନେ ତାର ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ତାପରେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଛି ସିଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ବିଲିଭିଂ, ଯେଉଁଟା ନିଜେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ମତେଇ ପାରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବୁ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଥିବା ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫଳ ଫୁଲ ପନିପରିବା ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମର ଜଳବାୟୁ ଯେତିକି ଅନୁକୂଳ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁବିଧା ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 1 କରିକି ତୋଳିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶା।